देखा तो ये थी कि मुझे वेलकम एडजस्ट करना था। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहना चाहूंगा अतिथि महोदय, ये कार्यक्रम जो हमने रखा, ये कार्यक्रम रखा कि हमारे समाज के 5 छात्र छात्राएं सिविल सर्विसेज के अंदर यूपीएससी से पास होकर आई और 5 के 5 उत्तर भारत की। इसलिए मैं वेलकम करना चाहूंगा पहले इन 3 साथियों का, और मैं चाहूंगा कि यहाँ आके अपना नाम भी बताते हैं, भूल जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पी राजोरा है और मैंने सिविल सर्विसेज में 8-9 रैंक हासिल की है। जोरदार तालियां, हमारी शुभकामनाएं। अगली बार आप दोबारा जाएं तो फर्स्ट 10 के अंदर आ जाएं। मेरी कोशिश थी, आज मैं ये कह रहा हूँ नाम बता रहे हैं, मुझे नाम बता, लेकिन मैं वो अपने आप ही आकर बताएंगे। मैं कहा पवार हूँ, कहता नहीं मैं निखिल हूँ, तो भाई निखिल कुमार पवार। नमस्कार, स्टेज पे बैठे अतिथिगण और खटीक समाज के मेरे सीनियर्स और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में 868 रैंक हासिल करी है। मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरे पिताजी अशोक कुमार हैं जो BSNL में वर्क करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी है अपनी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 2011 में, और 2013 में मैंने एमटेक आईआईएससी बैंगलोर से करा है। और मैं 10 साल से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत हूँ। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने लेटर स्टेज में सोचा कि सिविल सर्विसेज देते हैं तो जब सोचो तभी हम बन सकते हैं जो हम चाहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पिछले 25-30 सालों से आईएएस के अंदर दिल्ली से कोई नहीं जा रहा था, तो करोलबाग से राजौरा ने कसम खा दी कि हम जाएंगे। 5 साल पहले मुकेश राजौरा आने वाले हैं, जो आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद नहीं है, बंद लोगों को सुधारते हैं। उनके छोटे के जो छोटे भाई थे नीतीश राजौरा, आज वो SDM है श्रीनगर के अंदर, और वहां एक भी दंगा नहीं होने दे रहे। उनके छोटे भाई सिद्धांत, शायद सिद्धार्थ होना चाहिए था, सिद्धांत रख दिया अग्रवाल, बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धांत राजौरा को, जिन्होंने की पीढ़ी ने इस परंपरा को तोड़ा कि दिल्ली से आईएएस नहीं बनते, दिल्ली से आईएएस बनना आरंभ हो गया और उस रिकॉर्ड को इन 5 लोगों ने तोड़ दिया है। 3 जहां बैठे हैं, 2 के संदेश आ गए हैं, बाद में पढ़ सुना दूंगा। सिद्धांत जी के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद। श्री अशोक निर्वाण जी का, इन्होंने मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा कुछ कह दिया। तो मेरा नाम सिद्धांत राजौरा है और मैं करोलबाग, दिल्ली में हमारा घर है। सिविल सेवा परीक्षा जो अभी 2022 में हुई उसमें मेरा 901 रैंक आया, और ये मेरा पहला ही सीरियस अटेम्प्ट था। 2021 में मैंने ग्रेजुएशन किया है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और अभी होपफुल हूँ मैं कि कोई अच्छी सर्विस आएगी और देश के और समाज के लिए आगे आने वाले समय में हम अच्छा काम कर सकेंगे और अपने कार्यों से समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को और सम्मानित लोगों को गौरवान्वित महसूस करवा पाएंगे, ऐसी उम्मीद है, आशा है और कोशिश रहेगी। धन्यवाद सभी का। इनको इसलिए बुलाना पड़ा, आज इन्होंने जाना है ट्रेनिंग के लिए, कैसा मुझे मालूम लगा। आगे की कार्रवाई चालू करते हुए मैं अब
वेलकम एड्रेस को भी चेंज करते हुए सम्मान समारोह में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वेलकम एड्रेस में लगे रहे तो बहुत लेट हो जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि जी सुभाष नाथ पार्थी जी ने जाना भी है और बहुत ही हमारे एक ही निवेदन पे अपने 10 कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। मैं अब अभिनंदन की जगह सम्मान समारोह चालू कर रहा हूँ, क्योंकि अभिनंदन करने लगा तो समय नहीं खर्च है, अभिनंदन से ज्यादा सम्मान है। मैं विजेंद्र जी उमा कातून का डॉक्टर निर्वाण एजुकेशन सोसाइटी की उपाध्यक्ष अनुरोध करूंगा, वे हमारे मुख्य अतिथि को धोखा देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उनका साथ देंगे प्रेम चौहान जी आए उनका साथ देने के लिए। मेरे स्वागत समिति के सभी लोग तैयार रहे हैं और रत्ना जी ऐसा फैला देना कि लगे कि मेरी जात में भी दम है। सुभाष नाथ पार्थी जी का वेलकम करेंगे, पूर्णा खातून जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर निर्वाण एजुकेशन फाउंडेशन के, और साथ में उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे अध्यक्ष प्रिंस और जय विजेंद्र जी, जोरदार तालियां भी बजती रहे साथियों। आजकल ये समृद्धि चिन्हों का महत्व कम होता जा रहा है और मेडलों का ज्यादा हो रहा है, तो मेडल बना रहे हैं हमारे प्रेम चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है जिस व्यक्ति ने मुझे और मेरी पत्नी को संभाला। एक क्षण ऐसा आया था समाज का कार्य करते करते हम थक गए थे और सोचा कि छोड़ दो, तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में अभी मौजूद है, मुंशीराम पाल जी। उन्होंने आपको आके समझाया कि हार नहीं माननी, एक दिन जीतोगे तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुंशीराम पाल जी का स्वागत करेंगे। और केतन जी कहिए आप उनको गोल्ड मेडल, जल्दी आइए, अब क्या करें, जाइए, तुम्हारा सौभाग्य है इतने बड़े व्यक्ति को आप गोल्ड मेडल दे रही हूँ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।